नमस्कार, मेरा नाम योगेश जांगिड़ है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के जिला झुंझुनू, तहसील चिड़ावा और गांव नरहड। नरहड के पास एक छोटी सी ढाणी है, खातियों की ढाणी, वहां का रहने वाला हूँ। और आज मैं एक जो विद्युत बोर्ड वाले हैं उनसे रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ। पिछले 4 महीने से वो मेरा जो बिल है उसमें किस तरह से लूट कर रहे हैं वो आपको बताने वाला हूँ। और मेरे साथ ही नहीं, काफी लोगों के साथ ऐसा केस हो चुका है। काफी और भी मैंने जो हमारे पड़ोसी हैं उनके भी केस देखे हैं, उनमें भी ऐसा ही किया उन्होंने। पहले तो केस का मैं बता दूं थोड़ा सा कि पिछले साल फरवरी 2020 में हमने नया कनेक्शन लिया था AVVNL का, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से। और उसके बाद लगभग 6 बिल में उन्होंने 0 यूनिट दी, और जो फिक्स चार्ज होता है 250 रुपये 2 महीने का वो दिया गया। और उसके बाद 7वां या 8वां बिल है उसमें एकदम से 693 यूनिट 2 महीने का कंजप्शन दिखा के और भारी भरकम बिल दिया। और उसके बाद पिछले 4 महीने से घर लॉक है, फिर भी मीटर में यूनिट फिक्स होंगी लेकिन बिल में यूनिट दिखाए जा रहे हैं हर बिल के अंदर। तो वो थोड़ी डिटेल्स आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। पूरा एक PPT बनाया है मैंने, मैंने टाइटल भी यही रखा है, AVVNL की खुलेआम लूट। अब इसमें ये है, नया कनेक्शन लिया मैंने 15 फरवरी 2020 को। उसके बाद जो 23 मार्च के आसपास यूनिट आई होंगी, जो रीडिंग ली होंगी, तो उसका बिल अप्रैल में आया, अप्रैल 2020 में, जिसका लगभग 1.25 महीने का मिनिमम जो चार्ज होता है 154 रुपये 17 पैसे हुआ। उसके बाद 2 महीने बाद वापस बिल आया, जून 2020 में 250 रुपये, अगस्त 2020 में वापस 250 में से कुछ सब्सिडी काट के 229 रुपये 81 पैसे था। फिर अक्टूबर का बिल है 249, दिसंबर का है 239, उसमें 10 रुपये सब्सिडी के हैं वो माइनस किए गए हैं। फरवरी का बिल 240 रुपये, 10 रुपये सब्सिडी के माइनस करके। अब उसके बाद 28 फरवरी 2021 को घर लॉक करके, और मेरी मदर जो है वो यहाँ पे गुजरात में रहता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ गई, घर पे कोई नहीं है, घर का जो मेन स्विच है वो भी बंद करके और फिर आए हैं। अब उसके बाद जब 23 मार्च 2021 के आसपास रीडिंग ली होगी, तो जो रीडिंग लेने वाला है उसने डायरेक्ट 693 यूनिट 2 महीने का कंजप्शन दिखा के, और जो उसका यूनिट का चार्ज है 5208 रुपये 65 पैसे ये दिया गया, जो ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पे बात भी की, जो हमारा पावर हाउस है वहाँ पे बात की, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला और मैंने ये वाला बिल नहीं भरा। उसके बाद नेक्स्ट वाला बिल आया, उसमें 42 यूनिट वापस से आई, जिसका 676 रुपीज जो फिक्स चार्ज था वो भी बढ़ा दिया गया इस बार। हर बार 250 रुपये 2 महीने का आ रहा था, लेकिन उसमें 230 रुपये पर मंथ के हिसाब से 460 रुपये 2 महीने का फिक्स चार्ज दिया गया। उसके बाद मैंने जो भी बिल था मैंने कंप्लेन की, कंप्लेन करने के बाद कुछ 1393 रुपये उन्होंने कम किए। लेकिन अब अगस्त में जो वापस से बिल आया, जो जुलाई एंडिंग में यूनिट ली रीडिंग ली गई होगी उसका बिल आया, उसमें वापस से ये बिल 1106 रुपये का आया है। अब आपको बता दूं कि फिक्स चार्ज किस तरह से लिया जाता है। अगर मंथली यूज अपना 50 यूनिट से कम होता है, अप टू 50 यूनिट्स होता है, तो 125 रुपये पर मंथ आता है, यानी कि बिल हमारा अगर 2 महीने का आता है तो 250 रुपये फिक्स आ जाएगा। और अगर 50 से ज्यादा यूनिट होती है लेकिन 150 तक 150 से कम होती है तो 230 रुपये पर मंथ ये चार्ज लगता है। अब यूनिट का चार्ज किस तरह से होता है, BPL आस्था है वो तो उसमें कैटेगरी में तो अपने नहीं आते तो उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ये है, जैसे अगर अपने अपने यूनिट 50 यूनिट तक है पर मंथ, कंजप्शन इतना है तो 3 रुपये 85 पैसे, मतलब 385 पैसा पर यूनिट होता है। और अगर 50 यूनिट से ज्यादा हो जाती है, 150 यूनिट तक होता है, तो पहले 50 यूनिट का चार्ज होगा 4 रुपये 75 पैसे, और उसके बाद 50 से 51वीं जो यूनिट होती है उससे लेके 150वीं यूनिट तक का जो चार्ज है वो 6 रुपये 50 पैसे होता है। अब ये जो कैलकुलेशन है वो मैंने AVVNL की वेबसाइट से, जो ये चार्जेस हैं वो वहीं से डाउनलोड किए, पूरी PDF उसके अकॉर्डिंग है ये। अब ये है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा है बिल, जैसे पहले का तो हर 2 महीने से कितनी यूनिट थी वो कैलकुलेशन नहीं थी मेरे पास, वो उसकी डिटेल्स भी नहीं थी। लेकिन जब 28 फरवरी 2021 को घर लॉक किया, उस टाइम मैंने यूनिट नोट की थी 443 यूनिट थी उस टाइम। अब 443 यूनिट थी तो 28 फरवरी तक अगर एवरेज उसका निकालें तो इस तरह से एवरेज आता, 35.75 पर मंथ का एवरेज आता है। तो टोटल जैसे 28 फरवरी तक 443 यूनिट हो जाती हैं, उसके बाद मई जून जुलाई
सॉरी फरवरी में घर लॉक हुआ तो मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई 5 महीने, 5 महीने में कुछ भी कंजप्शन नहीं हुआ, 0 यूनिट होनी चाहिए, तो उसका मैंने पूरा 0-0 लिखा है। अब इसके अकॉर्डिंग सिर्फ कंजप्शन चार्ज है, जो यूनिट पर यूनिट का जो चार्ज है वो कैलकुलेशन जैसे मैंने नीचे किया है यहाँ पे, 50 यूनिट तक अगर चार्ज होता है तो ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है मैंने, और उसका चार्ज होता टोटल अभी तक का 1,705 रुपये 55 पैसे, प्लस फिक्स चार्ज अलग होता है और कुछ 40 पैसा पर यूनिट एक अलग से फ्यूल चार्ज भी लगता है तो वो अलग होता है, लेकिन सिर्फ यूनिट पर यूनिट के चार्ज के हिसाब से 1,705 रुपये 55 पैसे होते हैं। अगर अभी जैसे लास्ट बिल जो आया उस बिल में यूनिट दी गई है 854 यूनिट दी गई है, अगर 854 यूनिट होती हैं और हर महीने वो यूनिट अगर हर बिल में आती है, 0 यूनिट ना देके और हिसाब से देते तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन होती है, लेकिन इसको स्किप करते हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे। अब जैसे एनर्जी चार्ज यहाँ पे देखते हैं अपने, 300 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक का अगर चार्ज होता है तो पहली 50 यूनिट का 4 रुपये 75 पैसे है, उसके बाद 50 से 150 यूनिट तक का जो चार्ज है वो 6 रुपये 50 पैसे, और 150 से 300 तक यूनिट है 7 रुपये 35 पैसे पर यूनिट होता है, और 300 से 500 का है 7 रुपये 65 पैसे। अब ये सारा हिसाब किताब है। अब जो मेरा बिल आ रहा है वो इस तरह से है, फिक्स चार्ज है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अप्रैल का जो बिल है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो 0, उसके बाद जून के बिल में जून 2020 में 0 है, अगस्त 2020 में 0 है, अक्टूबर 2020 में भी 0 है, दिसंबर का भी 0 है, फरवरी 2021 का है वो भी 0 है, और 28 फरवरी 2021 को घर लॉक कर दिया, उसके बाद एकदम से 693 यूनिट आ जाती हैं, जो मंथली यूज उन्होंने दिखाया 346 रुपये, 346.5 यूनिट मंथली यूज दिखाया, यानी कि वो इस कैटेगरी में, ये जो फोर्थ वाली कैटेगरी है इसमें 300 यूनिट से 500 यूनिट वाला इस कैटेगरी में आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी कैलकुलेशन देखिए तो जैसे पहली 50 यूनिट का 4 रुपये 75 पैसे के हिसाब से 237 रुपये 50 पैसे हुआ, उसके बाद 51 से लेके 150 तक यूनिट है, 100 यूनिट हुआ, उसका चार्ज 6 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 650 रुपये हुआ, और आगे की जो 150 यूनिट है उनका 7 रुपये 35 पैसे के हिसाब से 1,102 रुपये हुआ, और उसके बाद की जो 46.5 यूनिट है उनका 7 रुपये 65 पैसे के हिसाब से 355 रुपये 73 पैसे हुआ, जो 1 महीने का कैलकुलेट किया है, जिसको 2 महीने का करने पे 4,691 रुपये है, प्लस इसके अंदर जो ये फिक्स चार्ज है 250 रुपये वो भी ऐड किया गया है, तो इतना ये बिल आया, प्लस 40 पैसा पर यूनिट और एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो इस तरह से ये बिल आया था, तो वो वाला बिल मैंने नहीं भरा। उसके बाद जून का बिल जो आता है 42 यूनिट दिखाएं, जिसमें मंथली यूज अगर उसमें देखते हैं तो 21 यूनिट होता है, जो 199 रुपये 50 पैसे होता है, और उसके बाद जो अगस्त का बिल है इसमें भी घर लॉक था तो 119 यूनिट आई है, जो 59.5 मंथली यूज है एवरेज अगर देखें तो 598.5, तो इस तरह से अगर टोटल यूनिट का चार्ज इन्होंने जो लिया है वो है 5,489.45 ये है, जबकि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1,705 रुपये 55 पैसे होना चाहिए था, जबकि इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 5,489.45, 5,489.45 ये चार्ज लिया है उन्होंने। 0 यूनिट दिखाई गई यहाँ पे सारी, अप्रैल का एकदम से हाई बिल आया है यहाँ पे, ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है, ये बिल देख सकते हैं आप, जिसमें 460 रुपये। हाँ, अभी जो जैसे ये हाई बिल जो आया था अप्रैल वाला, तब तक 250 रुपये फिक्स चार्ज था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनका भी जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता, मार्च एंडिंग होता, 23 मार्च को ये यूनिट ले गई थी, तो उन्होंने एक साथ एवरेज मिनिमम एवरेज यूनिट जो है मंथली एवरेज यूनिट है वो बढ़ाने के लिए एकदम से 693 यूनिट दी हैं, ताकि नेक्स्ट बिल में हम 50 से ज़्यादा पर मंथ का यूज दिखा के और फिक्स चार्ज 250 के बदले 460 रुपये ले सकें। तो अभी लास्ट दो बिल से जैसे यहाँ पे यूनिट 42 दिखाई गए 2 महीने के, तो 460 रुपये फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद अगस्त का जो बिल है उसमें भी 119 यूनिट दिखाकर और 460 रुपये फिक्स चार्ज लिया गया है। अब ये तीनों कैलकुलेशन जो दी थी उनका कंपैरिजन यहाँ पे है, जैसे 40 पैसा पर यूनिट जो मैंने बताया था, तो पहली वाली कैलकुलेशन में 177 रुपये 20 पैसे होते हैं, जबकि दूसरी तीसरी में 294 रुपये होते हैं पर यूनिट के हिसाब से। अब ये है बिल, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे अप्रैल 2020 का बिल आया, कंजप्शन दिखाया 0, जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर और फरवरी तक के जो कंजप्शन है सारा 0 दिखाया गया है, जबकि यहाँ पे ये
करंट रीडिंग जो ली गई है 25 मार्च 2021 को, वो एक साथ 693 है, जिसमें प्रीवियस रीडिंग दिखाई गई है 0। तो ये तो पॉसिबल भी नहीं है कि, और हाँ इसमें ये बिल में ये भी मेंशन किया गया है ये 2 महीने का बिल है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 2 महीने में 693 यूनिट निकल सके, वो भी घर क्लोज हो। तो अब ये बिल है जैसे अप्रैल 2021 का बिल है, इसमें दिखाया गया है कि अप्रैल 2021 का बिल, बिल पीरियड 2.00 मतलब 2 महीने का, और इसमें करंट रीडिंग है 693, प्रीवियस रीडिंग थी 0, यानी कि कंजप्शन कितना हुआ, 693 यूनिट का कंजप्शन हुआ, उसके अकॉर्डिंग 4691.45 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हुआ, फिक्स चार्ज 250 रुपये लगाकर, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है 40 पैसा पर यूनिट के हिसाब से 477.20 ये लिया गया, और टोटल बिल बना दिया गया 5208.65 रुपये। ये एक साथ जो हाई मतलब 300 से भी ज्यादा अगर यूनिट यूज होती है तो जो चार्ज लगता है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन किए 5208.65 रुपये। उसके बाद जून का बिल, जून के बिल में 2 महीने का बिल है ये, और करंट रीडिंग है 735 यूनिट, जो पहले पिछली थी 693, यानी कि 42 यूनिट निकाली गई है। फरवरी 28 फरवरी 2021 से घर लॉक था, फिर भी 42 यूनिट यहाँ पे दिखाई गई है, और ये अगर यहाँ पे जैसे दिया एवरेज मंथली कंजप्शन दिया 114 यूनिट का, तो अगर एक साल का देखें तो 1368 यूनिट होती है। यहाँ पे फिक्स चार्ज है वो भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि लास्ट वाला बिल था उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट ली गई थी 693, उसके अकॉर्डिंग मंथली एवरेज यूनिट हाई दिखा दी इन्होंने, और 460 रुपये फिक्स चार्ज कर दिया बढ़ाकर, 250 रुपये था 250 से सीधा 460 रुपये। ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो तो ठीक है, 40 पैसा पर यूनिट होती है वो है, और बिल जो दिया गया है वो 673, और पिछला जो बिल था वो मैंने नहीं भरा तो वो भी नीचे 5405.91 रुपये दिखा रहा है इसमें। उसके बाद अभी ये जो लेटेस्ट बिल आया हुआ है अगस्त 2021 का, इसमें आप देख सकते हैं बिल अगस्त 2021 का है, 2 महीने का बिल है, 854 यूनिट निकाली गई है, जो पिछली 735 थी 28 फरवरी 2021 से घर लॉक था, उसके बाद भी पिछले 2 महीने का ये जो मई के बाद के है, जो जून और जुलाई 2 महीने का बिल है, उसमें 119 यूनिट दिखाई गई है, वही फिक्स चार्ज है 460 रुपये, और पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो लगाई गई है, और 1106.10 रुपये बिल दिया गया है, ये भी घर लॉक था उस टाइम। अब मैंने ये कंप्लेन भी की थी, मेल किया था, जिसका आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। ये किया था मैंने 22 अप्रैल 2021 को, लेकिन अभी तक कोई भी इसका रिप्लाई नहीं आया। उसके ये जो हमारे JEN है उसके नंबर मैंने निकाले थे वेबसाइट पे से, EVVNL की वेबसाइट से, उनको ही मैंने 22 अप्रैल 2021 को व्हाट्सएप किया था मैसेज, उन्होंने रीड किया है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। अब ये सब तो हो गया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट उस पर कंप्लेन की, तो वहां से थोड़ा सा सॉल्यूशन मिला, वहां से जो मेरी कंप्लेन है वो रिस्पेक्टिव जो पावर हाउस है वहां पे ट्रांसफर की गई, और वहां से मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मेरे को उनसे मेरी बात हुई, वो कन्वर्जेशन जो मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो। हाँ हाँ योगेश बोलूँ। कल मैं बात करी ना, वो यूनिट बहुत ज्यादा आई है हाँ, वो एक हमारे करवा दिए कम था ना, 4689 भी है था ना, 4689 के हिसाब हो तो एक साथ ये यूनिट आई है तो उनको चार्ज भी तो बढ़ा है यूनिट को ऊपर तो बढ़ा भी खर्च करती हूँ, 4.75 रुपये रेट हो रही है आजकल, और 6.10 रुपया चार्जिंग आगे ऊपर डिफरेंस 2 रुपया के समथिंग हो, वो अपने यूनिट के हिसाब से 1300 और 93 रुपया कम कर दिया था। तो घर लॉक करे हो टाइम में 443 यूनिट ही, 443 यूनिट ही, बिल में 693 यूनिट कट हुआ आगे। 4.75 रुपया तो हर एक महीने तो यूनिट का पैसा आवेगा भी, तो घर ही लोग है, मीटर चाल रहे हो कहीं है, न्यू पूछ रहे हूँ मैं। तो यार मीटर चाल रहे हो, जयन से बात करो, मार्गन तो रिपोर्ट है उसके अनुसार काम करती है आपका। अब जयन ने भी मैं फोन करे हो, जयन से मिलो आप जाके, फोन पर बात होगी, उनसे बात करो, मम्मी मैंने जो करना तो कर दियो यार। ठीक है, तो ये पूरा मेरा डिस्कशन हुआ और इन्होंने मेरे को बताया कि 1193 रुपये बिल में कम कर दिया और नया बिल जनरेट कर दिया गया, लेकिन अभी हाँ जब ये घर लॉक हुआ था 28 फरवरी को, उसके थोड़े दिन बाद कुछ हफ्ते भर बाद शायद मीटर भी बंद हो गया, उसमें लाइट जल रही है लेकिन कुछ भी डिजिट नहीं दिखा रहा,
वो मेरे जो नेबर्स हैं उनको पूछा मैंने, वहां से फोटो भी मंगवाया तो फोटो में भी यही दिख रहा है कि उसमें कुछ भी नंबर्स नहीं आ रहे। अब वो नंबर नहीं आ रही पिछले 5 या 6 महीने से, 5 महीने से नहीं आ रहे, तो किस तरह से ये यूनिट ली जा रही है? जबकि वहां पे ये भी पूछा गया कि रीडिंग लेने वाला कोई आता है या नहीं आता, तो उन्होंने यही बताया कि रीडिंग लेने भी कोई नहीं आता, सिर्फ अंदाजे से वो जहाँ भी है वहीं पे अपने बैठे बैठे यूनिट लिख देते हैं, पिछला जो भी एवरेज है उसके अकॉर्डिंग। अब मेरा ये कहना है कि जब 28 फरवरी 2021 को घर लॉक किया था उस टाइम 443 यूनिट थी, और उसके एक हफ्ते बाद मीटर बंद हो गया, तो भी आज तक जो बिल आ रहे हैं, उसके बाद 3 बिल आ चुके हैं, जून अप्रैल में बिल आया था, अप्रैल के बाद जून में आया था, और जून के बाद अभी अगस्त में बिल आया, तो 3 बिल हैं, तो 3 बिलों में 443 से लेके और लगभग 850 तक यूनिट कैसे हो गई? 865 यूनिट के आसपास हो रही है, तो लगभग डबल यूनिट हो गई, तो वो किस तरह से हो गई? और अभी मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है ऐसे पेंडेमिक के टाइम राजस्थान जाके सॉल्यूशन निकलवाना, क्योंकि मैंने वहां पे बात की तो आप, उन्होंने यही बोला कि आप पावर हाउस आ जाइए और आपके JEN या जो भी है उनसे आप बात करके एप्लीकेशन लिख दो, मीटर आपका चेंज हो जाएगा ये सब। अब एक तो मेरे को ये चाहिए कि फिलहाल मीटर में यूनिट कितनी है, जैसे बिल में दिखाया कि 865 यूनिट है अभी तक की यूज है, अब मीटर है उसमें बंद है, उसमें कोई नंबर नहीं आ रहा, तो एग्जैक्ट यूनिट है वो भी हम कैसे देखेंगे? उससे भी क्लियर हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट यूनिट है वो किसी तरह से पता चल जाए तो हम, हमारा क्लियर हो जाएगा कि बिल में वो ज्यादा दे रहे हैं और यूनिट मीटर में अभी तक इतनी निकली ही नहीं। अभी विद्युत बोर्ड की वेबसाइट पर भी थोड़ी डिटेल दिखा देता हूँ आपको मैं। ये है विद्युत बोर्ड की वेबसाइट, AVVNL का लॉगिन जो है वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। इसमें जो ये फर्स्ट वाला अकाउंट है इसकी बात चल रही है, इसमें आपको कंजप्शन पैटर्न है वो दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे 406 जो यूनिट दिखाई गई, इसके पहले तो सब 0 यूनिट थी, लेकिन ये रीडिंग की डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23/9/2020 को रीडिंग ली गई है 406, और प्रीवियस थी यहाँ पे 0, तो अगर 406 में 0 माइनस करते हैं तो बिल कितने का आना चाहिए? 406, जबकि यहाँ पे 0 यूनिट का बिल दिया गया है। उसके बाद ये प्रीवियस रीडिंग यहाँ पे आ गई, कौन सी डेट को? 23 नवंबर को, और जो करंट रीडिंग है वो 447, मतलब 41 यूनिट यूज हुई यहाँ पे, 2 महीने में 41 यूनिट यूज हुई है, जबकि यहाँ पे दिया गया 0। उसके बाद 447 यूनिट प्रीवियस वाली जो आ गई वो है 23 जनवरी को, करंट यूनिट यहाँ पे 0 दिखाया है, ये वाला भी 0। अब यहाँ पे प्रीवियस 0 दिखा के कौन सी डेट को? 25 मार्च को, अब घर लॉक हुआ था आपको मैंने बताया था 28 फरवरी को, और उसके बाद 25 मार्च को, मतलब एक महीना भी नहीं हुआ, लगभग 26-27 दिन बाद ये रीडिंग ली गई है, तो यहाँ पे सीधा 693, और कितने का बिल दिया यहाँ पे? 693 यूनिट का बिल दिया गया। उसके बाद 23 मई को रीडिंग ली गई है जो थी 735, घर लॉक था फिर भी 693 से वो 735 हो गई, और टोटल जो यूनिट मतलब यूज हुआ है वो 42 यूनिट का यूज दिखाया गया इसके अंदर। उसके बाद 23 जुलाई को जो यूनिट ली गई है, रीडिंग ली गई है, तो प्रीवियस था 735, करंट है 854, तो टोटल यूज दिखाया गया यहाँ पे 119। ये यहाँ पे आप जो बार ग्राफ है उसके अंदर भी देख सकते हैं, पहले के जो भी है सब 0 0 0 दिखा रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एकदम से 2 महीने का यूज है जो अप्रैल महीने में बिल आ रहा है, उसमें जो फरवरी और मार्च का यूज है वो 693 यूनिट है, और उसके बाद अप्रैल और मई का जो यूज है वो जून में दिखाया गया 42, और जून और जुलाई का जो यूज दिखाया गया वो 119 यूनिट दिखाया गया है, तो अगस्त के बिल में आया है ये। तो इस तरह से घर जब तक खुला था यूज हो रहा था अप्रोक्सीमेट 40 यूनिट के आसपास पर मंथ यूज हो रही थी, तो उस टाइम उन्होंने 0 यूनिट दिखाई गई। रीडिंग लेने वाला जो आता था उसको भी बार बार बोला गया आप रीडिंग क्यों नहीं लिखते, बोला हाँ मैं लिख के ले जाता हूँ, लेकिन जब उसके बाद बिल आता तो बिल में कंजप्शन 0 दिखाता था, और जब घर लॉक हो गया और उनको जो पूरा जो प्रीवियस एवरेज यूनिट का जो वो नंबर है वो बढ़ाना था, 50 से ऊपर करना था, तो उन्होंने मार्च की जो यूनिट थी, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता था 31 मार्च को, तो मार्च की जो यूनिट थी वो एकदम से 693 यूनिट दिखा के, और उसके बाद जो फिक्स चार्ज है वो भी बढ़ा दिया, और घर लॉक होने के बावजूद कंटिन्यू अप्रैल के बिल में, जून में और अगस्त के बिल में, तीनों बिल में कंटिन्यू यूनिट आती जा रही है।